के सेना प्रमुख ने कहा है कि देश में सीरियल धमाके करने वाले आतंकियों ने ट्रेनिंग के लिए भारत के कश्मीर का लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेनानायके के पहले सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने हमले से पहले की आतंकी गतिविधियों पर बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी कश्मीर के अलावा बेंगलुरु और केरल के कुछ हिस्सों में भी गए थे। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नानायके ने कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि आतंकियों के भारत जाने का मुख्य मकसद क्या था, लेकिन यह तय है कि वे किसी तरह की ट्रेनिंग किया संपर्क साधना चाहते थे। उन्होंने यह भी कहा कि हमले को अंजाम देने के तरीके से लगता है कि आतंकियों ने इसकी साजिश स्थानीय नहीं हरी की मदद से बनाई। इसके अप्रैल को श्रीलंका में हुए 8 धमाकों में 253 लोग मारे गए थे। उनमें 10 भारतीय समेत 39 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। भारत से मिली खुफिया जानकारी के बावजूद चूक हुई। भारत की तरफ से खुफिया जानकारी मिलने के सवाल पर आर्मी चीफ ने कहा कि हमें इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानकारी किसी और ही जानकारी साझा करने में जो परेशानी थी वो अब सबके सामने है। हालांकि उन्होंने इस चूक के लिए किसी को भी जिम्मेदार कर दिया। आतंकियों के ठिक
ठिकानों से पुलिस को मिले झंडे और ड्रोन। एक ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस को इस्लामिक स्टेट के झंडे, मिलिट्री की वर्दी, सुसाइड जैकेट, एक सौ पचास जिले की चढ़े हजारों स्टील पैलेट और ड्रोन कैमरे मिले। सुरक्षा परिषद की बैठक में अधिकारियों ने फैसला लिया था कि करने के लिए सर्च ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक खतरा पूरी तरह हट नहीं जाए। आतंकियों की खोज में जुटे 10,000 से श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट के बाद से ही करीब 10,000 सैनिक आतंकी ठिकानों पर छापेमारी में जुटे हैं। अब तक करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों का एक समूह भी शामिल है। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सेना ने शुक्रवार को से जुड़े 140